Hello friends, welcome back to our YouTube channel Indian Legal Eagle, and I am Ritika presenting here the notes of BLLB examination, history of court and legislature. So now we are discussed about the regulating act 1773, यानी कि सन 1773 के regulating अधिनियम पर एक note लिखेंगे. तो चलिए start करते हैं. 1773 का विनिमय अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास का पहला मील का पत्थर था, जिसे लॉर्ड नॉर्थ यानी फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत और साथ ही यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए पेश किया गया था. प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 से 65 थी, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय प्रभुत्व कामयाब हुआ. उस समय देश में उनके क्षेत्रों में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्य शामिल थे. इन दोनों महत्वपूर्ण युद्धों के साथ अवध के नवाब उनके सहयोगी बन गए, जबकि मुगल सम्राट शाह आलम उनके पेंशनर बन गए. हालांकि इस पूरी व्यवस्था की अपनी खामियां थी, जो अंततः 1773 के विनियमन अधिनियम के कारण हुई. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इनके उद्देश्यों के साथ में. 1773 के विनियमन अधिनियम के उद्देश्य कुछ इस प्रकार हैं. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य उद्देश्य भारत में कंपनी के प्रबंधन की समस्या को संबोधित करना और साथ ही लॉर्ड क्वायल द्वारा स्थापित शासन को दोहरी प्रणाली भी थी. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दूसरे उद्देश्य में उस कंपनी का नियंत्रण शामिल था जो एक व्यावसायिक इकाई के अर्ध संप्रभु राजनीतिक इकाई के रूप में एकांतरित हो गई थी. चलिए आगे बढ़ते हैं इसके महत्व के साथ में. तो 1773 के विनियमन अधिनियम का महत्व कुछ इस प्रकार है. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी, क्योंकि यह पहली बार सरकार के रूप में संसद के आदेश के लिए जोर दिया. यह ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रशासनिक तंत्र को केंद्रीकृत करने का पहला प्रयास था. अधिनियम ने कंपनी के मनमाने शासन के स्थान पर भारत में ब्रिटिश कब्जे के लिए एक लिखित संविधान स्थापित किया. गवर्नर जनरल को निरंकुश बनाने से रोकने के लिए एक प्रणाली शुरू की गई थी. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने दूसरों पर बंगाल के गवर्नर पद का वर्चस्व स्थापित कर दिया. विदेशी नीति के मामलों में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के अधीनस्थ बॉम्बे और महाराष्ट्र को राष्ट्रपति बनाया. अब कोई अन्य राष्ट्रपति भारतीय राजकुमारों के साथ शत्रुता शुरू करने के लिए आदेश नहीं दे सकता था. इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और इस तरह देश के आधुनिक संवैधानिक इतिहास को निहित किया गया. चलिए हम अब इसके प्रावधान की तरफ चलते हैं. 1773 के विनियमन अधिनियम के प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं. 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की चार मुख्य विशेषताएं या प्रावधान कुछ इस प्रकार है. पहला, अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित किया और उनकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई और इस तरह लॉर्ड वारेन हेजीटंगस बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बन गया. दूसरा पॉइंट,
इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों या श्रमिकों को इस भी किसी भी प्रकार के निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से रिश्वत के रूप में प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी। तीसरा पॉइंट, यह इस अधिनियम के तहत था कि फोर्ट विलियम में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश न्यायाधीशों के साथ की गई थी, जो कि ब्रिटिश कानूनी प्रणाली का उपयोग करते थे। चौथा पॉइंट, अधिनियम ने कंपनी के लाभांश को 6% तक सीमित कर दिया, जब तक कि उसने 1.5 मिलियन पाउंड का ग्रहण नहीं चुकाया। और फोर्ड ऑफ और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स को 4 साल के कार्यकाल तक सीमित कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान से स्पष्ट है कि यह कानून के कदाचार को रोकने और कंपनी के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए लागू किया गया था। हालांकि यह भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहा और शीघ्र स्तर से लेकर सबसे निचले अधीनस्थ तक सभी अधिकारियों के लिए पतनशीलता एक आम बात बन गई। पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के खिलाफ प्रमुख आरोप लगाए थे और भ्रष्टाचार के मुकदमे में उन पर महाभियोग लगाया गया था। नतीजतन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1984 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया और कंपनी में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण लाने के लिए लॉर्ड कार्लवारिस को नियुक्त किया गया। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा लगा।